डर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन वन टू एट तक कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं दिखी है अब तक तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो या डायरेक्ट चैनल पर भी जो वीडियोज का सेक्शन है उसमें जाके उसको देख सकते हो आप अब नाइन्थ क्वेश्चन है द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो फाइव रेशो सेवन फोर ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी फिफ्टी सिक्स ईयर्स वट आर देयर प्रजेंट एजेस पहले तो हमें उनकी प्रजेंट एज को सपोज करना पड़ेगा फोर ईयर्स लेटर मीनिंग क्या है चार साल बाद तो उसके लिए हम क्या करेंगे इनमें जो एज को हम सपोज करेंगे उसमें फोर कर देंगे एड और उनका सम क्या है फिफ्टी सिक्स ये मीनिंग है स्टेटमेंट का अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन तो स्टेटमेंट में हमें प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है राहुल और हरून की तो इनको हम सपोज कर लेते हैं लेट राहुल्स प्रेजेंट एज ये रेशो में गिवन है इन दोनों की फाइव रेशो सेवन तो राहुल की जो एज है वो है फाइव इयर्स में और हरून की एज ये सेवन एक्स अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर ईयर्स लेटर इसका मीनिंग है आफ्टर फोर ईयर्स तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों की एज में क्या ऐड कर देंगे फोर और जो वो एज आएंगी उनका हमें क्या लेना है सम और आंसर हमारा आ जाएगा फिफ्टी सिक्स तो अब स्टार्ट करते हैं इस एज में फोर ऐड करेंगे फाइव एक्स प्लस फोर प्लस की एज में भी हमें फोर को ऐड करना है सेवन एक्स प्लस फोर और आंसर कितना आएगा फिफ्टी सिक्स यहाँ से फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स प्लस फोर प्लस फोर एट इक्वल टू फिफ्टी सिक्स ट्वेल्व एक्स इक्वल टू यहाँ से जब लेफ्ट साइड में प्लस एट है राइट right में जब हम इसको लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा माइनस एट तो अब ट्वेल्व एक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स माइनस एट ये है फोर्टी एट अब नेक्स्ट स्टेप में जो एक्स के साथ ट्वेल्व है ये मल्टीप्लाई में तो राइट right साइड में इसको लिखा जाएगा डिवाइड में तो ट्वेल्व से कैंसिल कीजिए आंसर आ गया यहाँ पे फोर देर फोर जो राहुल की एज है राहुल्स प्रेजेंट एज जो राहुल की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी फाइव एक्स फाइव मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू ट्वेंटी ईयर्स और हरून की जो एज है हरूणस प्रेजेंट एज तो हरून की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है सेवन एक्स तो हम क्या करेंगे सेवन मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू ट्वेंटी एट तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नाइन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो सेवन रेशो फाइव दंबर ऑफ इज एट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ टोटल क्लास स्ट्रेंथ हमें बतानी है इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बॉयज कितने और नंबर ऑफ गर्ल्स तो इनका रेशो गिवन है रेशो से हम सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज लेट नंबर ऑफ बॉयज अब इनका बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो गिवन है सेवन रेशो फाइव तो बॉयज़ को हम सपोज कर लेंगे सेवन एक्स और गर्ल्स को सपोज किया है फाइव एक्स अब कंडीशन हमें क्या गिवन है दी नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ एट मोर देन दी नंबर ऑफ गर्ल्स जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं एट अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ एक जैसे हमें ये पता हो कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो है फिफ्टीन और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं सेवन तो जो बॉयज और ये हैं गर्ल्स तो बॉयज कितने ज्यादा हैं इससे एट इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन कब आएगा फर्स्ट कंडीशन क्या है या तो आप ये करो जितने ज्यादा हैं वो माइनस कर दो फिफ्टीन माइनस एट तब उसका आंसर क्या आएगा सेवन सेकेंड आप क्या करोगे इस सेवन में ही जितना कम है उसको ऐड कर दोगे सेवन प्लस एट तब भी कितना आ गया फिफ्टीन तो इन दोनों में से आप कोई भी कंसेप्ट यूज करोगे तो इससे हमारा यह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कैसे देखिए नंबर ऑफ बॉयज क्या है सेवन एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स ये है फाइव एक्स अब हमें यह पता है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से कितना ज्यादा है एट तो इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कीजिए या तो गर्ल्स में आप एट ऐड किए या तो गर्ल्स में आप एट को ऐड करें या बॉयज में से एट सब्ट्रैक्ट करें तब इनके बीच में क्या आ जाएगा इक्वल का साइन इक्वल का साइन कब आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे बराबर होंगे कि बॉयज़ गर्ल्स से कितना ज़्यादा है नंबर में एट तो हम गर्ल्स में भी क्या ऐड कर देंगे एट ये बस समझने का इसमें यही स्टेप समझने का है इसमें कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं ये इक्वल कब होंगे जब हम या तो गर्ल्स में एट ऐड करें या बॉयज़ में से एट सब्टैक्ट करें अब नेक्स्ट स्टेप इस फाइव एक्स को हम लिखते हैं लेफ्ट में तो ये लिखा जाएगा माइनस में तो यहां से आंसर आया टू एक्स इक्वल टू एट और x की वैल्यू क्या आ जाएगी एट बाई टू इक्वल टू फोर देर फोर नंबर ऑफ बॉयज नंबर है बॉयज का वो क्या है सेवन एक्स सेवन मल्टीप्लाई फोर तो वो हो जाएंगे ट्वेंटी एट और नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है फाइव एक्स फाइव मल्टीप्लाई फोर यह है ट्वेंटी और हमें फाइंड आउट क्या करना है टोटल क्लास स्ट्रेंथ नाउ टोटल क्लास स्ट्रेंथ नाउ टोटल क्लास स्ट्रेंथ तो उसके लिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को कर देंगे एड ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी और आंसर हमारा क्या आ जाएगा फोर्टी एट तो यही फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन का नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ क्वेश्चन ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है इसका बाईचोंग्स फादर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर यंगर देन बाइचोंगस ग्रैंड फादर एंड ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्डर देन बाइचूंग द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ वन थर्टी फाइव वट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. अब इसमें देखिए आप बाईचूंग है बाइचूंग के फादर और बाईच के ग्रैंड फ़ादर इसको आप अपने आप से रिलेट करके देखें जैसे घर में आपसे आप बड़े कौन है आपके फ़ादर और उनसे बड़े कौन हैं आपके ग्रैंड फादर सपोज करो कि आपकी एज है टेन ईयर और आपके फादर आपसे ट्वेंटी फाइव ईयर क्या है ओल्डर है तो क्या होगा कि आपके फादर की एज कितनी हो जाएगी टेन प्लस ट्वेंटी फाइव तो यानी कि आपके फादर की एज क्या बनेगी थर्टी फाइव और ये पता चल जाए कि आपके ग्रैंड फादर आपके फादर से ट्वेंटी फाइव ईयर ज़्यादा वो भी उनसे बड़े तो क्या करोगे आप थर्टी फाइव में भी क्या ऐड कर दोगे ट्वेंटी फाइव तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम पहले किसकी एज को सपोज करें बाइचूंग की फिर क्या करेंगे बाइचूंग से बड़े कौन है उनके फादर और उनके फादर से बड़े कौन है उनके ग्रैंड फादर तो ये हम ले कर चलने वाले हैं पहले क्या हमने स्पोज़ किया लेट बाई एज वो है एक्स ईयर जो बाइचूंग की एज है वो एक्स हमने सपोज की और जो बाईचूंग के फ़ादर है ना वो ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्डर देन बाईचूंग वो बाइचूंग से कितने बड़े हैं ट्वेंटी नाइन ईयर तो हम कैसे उनकी फ़ादर की एज को फाइंड आउट करेंगे बाइचूंग की एज में हम क्या ऐड कर देंगे ट्वेंटी नाइन तो इनसे किन की एज पता चल जाएगी उसके फादर की अब बाइचूंग के फादर से कौन बड़े हैं उनके ग्रैंड फ़ादर तो वो कितने बड़े हैं देखिए आप इन्होंने ये स्टेटमेंट को यहाँ घुमा के दिया हुआ है कैसे बाईचोंग्स फादर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर यंगर देन बाईचोंग्स चोंस ग्रैंड फादर कि बाईचूंग के ग्रैंड फादर से बाईचुंग के फादर कितने छोटे हैं ट्वेंटी सिक्स ईयर अब इसको आप दूसरे तरीके से समझिए कि बाईचुंग के जो ग्रैंड फादर हैं उसके फादर से कितने बड़े हैं ट्वेंटी सिक्स ईयर अब आप देखिए बाईचुंग की एज है एक्स बाइचूंग के फादर उससे कितने बड़े हैं एक्स ट्वेंटी नाइन ईयर तो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन और ग्रैंड फादर बाइचूंग के वो उसके फादर से भी कितने बड़े हैं ट्वेंटी सिक्स ईयर तो इसलिए जो उनके ग्रैंड फादर की एज होगी वो क्या होगी जो उसके ग्रे... फादर की एज है क्या एज है x प्लस ट्वेंटी नाइन इसमें हम क्या ऐड कर देंगे ट्वेंटी सिक्स बस ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे आया है बाईचुंग की एज बाईचुंग से बड़े हैं उसके फादर और उसके फादर से बड़े हैं उसके ग्रैंड फादर अब इसमें और क्या गिवन है सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल थ्री इज 135 थर्टी फाइव ईयर्स इन तीनों की एज का सम कितना है 135? ये तीनों कौन है बाइचूंग उसके फादर और ग्रैंड फादर तो यहाँ से बाइचुंग की एज तो क्या है x। बाइचूंग के फादर की एज क्या है x प्लस ट्वेंटी नाइन और उनके ग्रैंड फादर की एज क्या है x प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स और इन तीनों का सम कितना है 135. अब आप इनको ऐड कीजिए लेफ्ट साइड में जो एक्स है ये जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस अब इनको ऐड कीजिए ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी नाइन ये होता है फिफ्टी एट प्लस ट्वेंटी सिक्स ये हो जाएगा एट्टी फोर इक्वल टू वन थर्टी फाइव अब थ्री एक्स इक्वल टू वन थर्टी फाइव माइनस एट्टी फोर तो यहां से आंसर आ जाएगा फिफ्टी वन तो अब थ्री एक्स किसके इक्वल है फिफ्टी वन के यहाँ से x की वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है थ्री तो राइट में उसको लिखा जाएगा डिवाइड में तो x का जो आंसर आया है सेवनटीन और x हमने क्या सपोज किया था बाइचोंक्स एज यानी कि बाईचुंग की जो एज आ गई है वो आई है सेवनटीन तो यहाँ आप लिखोगे देर फोर एज जो बाईचुंग की एज है वो कितनी है सेवनटीन ईयर और उसके फादर की एज उससे कितनी ज़्यादा है एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन तो अब क्या करना है सेवेंटीन प्लस ट्वेंटी नाइन तो ये कितना आंसर आ जाएगा फोर्टी सिक्स ईयर और ग्रैंड फादर की एज ग्रेंड फादर की एज क्या है एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स तो अब क्या करोगे आप सेवनटीन प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स सेवनटीन प्लस ट्वेंटी नाइन इसका आंसर क्या आया था फोर्टी सिक्स अब फोर्टी सिक्स में ट्वेंटी सिक्स को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 72 टू ईयर तो ये फाइनल आंसर है बाईचूंग की एज है सेवनटीन ईयर बाईचूंग के फादर की एज है फोर्टी सिक्स ईयर और ग्रैंड फादर की एज है सेवनटी टू ईयर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज़ एज विल बी फोर टाइम हिज प्रेजेंट एज वट इज़ रवीज़ प्रेजेंट एज तो जो फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ का क्या मीनिंग है आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स तो उसके लिए क्या करेंगे हम प्रेजेंट एज में फिफ्टीन को कर देंगे ऐड तो वो क्या है रवि की जो प्रेजेंट एज है उसका है ये फ़ोर टाइम हमें रवि की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है तो इसी को ही हम सपोज करेंगे लेट रवीज़ प्रेजेंट एज ये है एक्स ईयर तो अब फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज तो आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स तो उसकी क्या हो जाएगी एज इस प्रेजेंट एज में हम क्या कर देंगे फिफ्टीन को एड और कंडीशन क्या गिवन है फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी फोर टाइम्स इज प्रजेंट एज प्रजेंट एज की ये एज क्या है फोर टाइम है तो ये दोनों एज इक्वल कब होंगी जो प्रजेंट एज और फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ ये हम दो एज हमने लिख लिए इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन कब आएगा देखिए आप जो फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाव वाली एज है ये प्रजेंट एज की फोर टाइम है इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ जैसे फोरटी ये टेन है और फोर्टी हमें ये पता है कि फोर्टी टेन का कितने टाइम है फोर टाइम इनके बीच में इक्वल का साइन कब आएगा जब हम टेन को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे फोर से तब ये किसके इक्वल होगा फोर्टी के जितने टाइम्स है उसी से मल्टीप्लाई कराया है अब देखिए आप जो फिफ्टीन ईयर फ्रॉम नाउ रविज एज जो ये रवि की एज है ये प्रेजेंट एज की फाइव सॉरी फोर टाइम्स है तो हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे फोर से तब इन दोनों के एज के बीच में किसका साइन आएगा इक्वल का साइन ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया तो यहां से फोर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फिफ्टीन एक्स को आप लिखिए लेफ़्ट साइड में फोर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फिफ्टीन यहाँ से थ्री एक्स इक्वल टू फिफ्टीन और एक्स के साथ जो थ्री है वो है मल्टीप्लाई में तो आप इसको राइट right में क्या लिखोगे डिवाइड में फिफ्टीन बाई थ्री इक्वल टू कैंसल आउट करते हैं तो फाइव आ जाएगा देर फोर रविज प्रजेंट एज रवीज़ प्रजेंट एज तो जो रवि की प्रजेंट एज है वो क्या है फाइव ईयर तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन आ रैशनल नंबर इज सच दैट वेन यू मल्टीप्लाई इट बाई फाइव बाई टू एंड एड टू बाई थ्री टू प्रोडक्ट, यू गेट माइनस सेवन बाई ट्वेल्व वट इज नंबर? अब हमें इस रैशनल नंबर को स्पोज करना है और हमें गिवन क्या है स्टेटमेंट में कि जब इस रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइव बाई टू से जो आंसर आता है उस उसमें हम क्या ऐड करेंगे टू बाई थ्री तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा माइनस सेवन बाय ट्वेल्व ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप रैशनल नंबर हमने क्या सपोज किया है एक्स तो अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई इट बाय फाइव बाई टू इस एक्स को हमें मल्टीप्लाई कराना है फाइव बाय टू से एंड एड टू बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री इक्वल टू यू गेट माइनस सेवन बाय ट्वेल्व तो हमें आंसर में क्या मिलेगा माइनस सेवन बाय ट्वेल्व तो ये स्टेटमेंट थी अब x मल्टीप्लाई फाइव बाई टू तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइव बाय टू एक्स प्लस टू बाय थ्री इक्वल टू माइनस सेवन बाय ट्वेल्व अब देखिए आप ये x के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है ये है प्लस में तो इसको अब हम लिखते हैं राइट साइड में तो ये लिखा जाएगा माइनस में फाइव बाई टू एक्स इक्वल टू माइनस सेवन बाई ट्वेल्व माइनस टू बाय थ्री तो यहाँ से ट्वेल्व और थ्री इसका एल्शियम जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा ट्वेल्व डिनोमिनेटर से डिवाइड ट्वेल्व को ट्वेल्व से डिवाइड आंसर वन वन को नोमिनेटर पे लिखा हुआ है माइनस सेवन से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ गया माइनस सेवन इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का अब ट्वेल्व को डिवाइड कराना है थ्री से तो आंसर आता है हमारा फोर और फोर को टू से मल्टीप्लाई तो एट यहां से अब क्या आंसर बना है माइनस सेवन माइनस एट दोनों माइनस है इनको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस फिफ्टीन बाय ट्वेल्व और लेफ्ट में यहां क्या है फाइव बाय टू एक्स तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई अब फाइव बाय टू एक्स इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाय ट्वेल्व तो अब देखिए फाइव बाय टू लिखा हुआ है लेफ्ट में तो राइट right में इसका लिखा जाएगा रेसिप्रोकल तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा टू बाय फाइव फाइव बाय टू का रेसिप्रोकल टू बाय फाइव फाइव से आप कैंसिल आउट कीजिए यहाँ आंसर आ जाएगा थ्री और टू से कैंसिल करोगे ट्वेल्व को तो आंसर सिक्स अब देखिए अब दोबारा फिर कैंसिल होता है ये थ्री से कैंसिल कीजिए यहाँ टू तो नोमिनेटर पे माइनस है और ये वन है दोनों तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन और ये क्या है टू तो ये माइनस वन बाई टू आए जो एक रैशनल नंबर है इसको पी बाय क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर जो रैशनल नंबर था हमारा एक्स वो किसके इक्वल आया है माइनस वन बाय टू के तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे इसके बाद के जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके लिए मैं आपके अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन के लिए तो उसके लिए आप चैनल से जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए थैंक यू